5 बज गए, शायद 3:30 चले थे, पहुँच गए कोचकोर। अगले 3 दिन हम करने वाले हैं हॉर्स राइडिंग सोंग कुल का। तो ये हॉर्स राइडिंग ट्रिप होने वाला है और इसकी कॉस्ट पर पर्सन पड़ी है $150। एक आदमी के लिए करीब 10,800 सोमिया रुपये। ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग का। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंटली चला रहा हूँ अपने घोड़े को। मेरे ख्याल से पास आ गया है, रोहतांग पास, कारतुंगला, नातुला, बारालाचा ला, तंगलांग ला, जितने भी सारे लाज थे फिलहाल दिमाग में। वाओ, 3,400 मीटर्स। जनाब, ये है सोंग कुल। इस देश की कुछ खूबसूरत झीलों में से एक है सोंग कुल। वैसे तो सबसे बड़ी झील है इसी कुल, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ये जम जाती है पूरी सर्दियों में, और गर्मियों में ये जो पूरा हरा, ये जो इलाका है ये सारा बहुत हरा भरा हो जाता है और बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ। ये नॉर्थ शोर है सोंग कुल का। इसके चारों ओर, इसकी पेरीफेरी में एक सड़क है। सड़क मतलब बस ऐसे ही कच्चा सा रास्ता है जिस पर गाड़ी आ जा सकती है। तो आप कोई 4 व्हील ड्राइव कार लेके ऐसे भी आ सकते हैं और हमारी तरह घोड़ों पर भी आ सकते हैं। बिश्केक से लगते हैं करीब 4-5 घंटे लगते हैं कोचकोर तक आने के लिए, और वहाँ से करीब 1-1.5 घंटा थोड़ा सा और आगे सोंग कुल का जो नज़दीकी गाँव है जो सड़क पर है वहाँ तक आने के लिए। उसके बाद फिर अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है तो आप घोड़े कर सकते हैं या हाइकिंग कर सकते हैं। Here? You want me to stop? Okay. भगवान ने 2 आँखें दी थी, बचपन में 4 हो गई थी, और यहाँ इस देश ने, किर्गिस्तान ने, और ख़ास तौर पे सोंग कुल के हॉर्स राइडिंग ट्रिप ने 6 कर दी हैं। आगे तो चले यार, चो 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 चो। और अच्छा है, ये भी लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। ये मेरा प्राचीन काल का गोप्रो सब रिकॉर्ड कर पा रहा है। और इसका राज ये है कि मैं इसको यहाँ अंदर छिपा रखा था, तो बॉडी हीट से थोड़ा सा गर्म था, अदरवाइज़ तो ये पास की जो भी सर्दी थी अब तक तो ये मर गया होता। 8 बज गए जनाब, मेरे ख्याल से 10 बजे चले थे हम लोग, 10-10:15 के आसपास। 3 घंटे में पहुंच गए अपने अगले पड़ाव पर, पूरा सामने। अगला पड़ाव, इज दिस लाडा? लाडा बोट नीवा बोलते हैं कि सिर्फ यही कार चलती है यहाँ पर इन इलाकों में। 4 व्हील ड्राइव है और काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। दिस इज़ अ बिग यूथ कैंप। दे हैव टॉयलेट्स। हाउ मेनी? 3 टॉयलेट्स। सौना? ओह, नॉट इन दिस टाइम। ओके, समर टाइम में जनाब कह रहे हैं सौना बात भी कर सकते हैं, बानिया जिसको बोलते हैं रशियन में। Do you still need the paper? No, I had one. Okay. You mean I should go there? Yeah. Okay. सारा और मैं एक दूसरे के वीडियोस बना रहे हैं, और मैं पहली बार अपने घोड़े को लेकर इस तरीके से चल रहा हूँ। सारा ने कहा था ऐसे ट्राई करके देखो। Okay, I'll be here. कहते हैं कि घोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड होना तो आसान हो जाती है हॉर्स राइडिंग, और अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक ट्रेंड घोड़ा हो आपके पास में। मेरा ये घोड़ा ट्रेंड है, ऐसा मुझे बताया उन भाई साहब ने जिनका ये घोड़ा है। इन पहाड़ों में सिर्फ ये लाडा ही चलती है, रशियन लाडा। इन घोड़ों को कैसे पता चल जाता ना इनकी जगह आ गई, खड़ा हो गया घोड़ा अपने आप आके। Kyrgyzstan, очень красиво. Where are you from? Indus, India. 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 Oh. Muslim ना? Hindu, Hindu. Hindu. Yeah. ऐसे ही बैठे हुए थे, गाड़ी चालू हुई, मैंने आसपास से पूछा कि भाई चला जाऊँ? उन्होंने कहा गाड़ी में जगह नहीं है। मैंने कहा ट्राई करता हूँ। ऐसे गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया और बैठ गया। Children, no. Children, no. Five children. No children. Oh, you have five children? Yet? Yet? Oh, 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 oh. Ah, okay, okay. Два знаешь. Два? Два знаешь. Два? Знаю, два. Ah, два, два. Oh, okay, хорошо. Хорошо. दो बीवी, पांच बच्चे और ये अकेले। सही लगे रहो। ये है जी लाडा, 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 लाडा नीवा, लाडा नीवा। भाई साहब कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ वापस, चले जाओ, मैं यहाँ खुश हूँ। जो भाई साहब कार चला के लाए थे वो तो चले गए वापस, वो जा रहे थे। मैं इनके साथ कहीं जाऊँगा जहाँ ये जाएंगे, कितनी देर कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही। उनकी नाव ख़राब है तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि आप जाओ, नज़दीक ही है मेरा यूथ कैंप, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट। आठ बज के 50 मिनट हो रहे हैं और चलने का टाइम हो गया है। घोड़े वहाँ तैयार हैं, मैं भी यहाँ तैयार हूँ। कपवा जबूत अलिक अलिक भाई साहब यहाँ पर कुक हैं, खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। रहमत फॉर फूड फूड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। ओके पक्का पक्का। यहाँ पर बहुत सारे यूथ हैं, ये एक प्रॉपर कमर्शियल प्लेस है, शायद 15-20 यूर्थ कैंप्स यहाँ लगते हैं गर्मियों में, तो सुविधाएं भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हैं पिछले यूर्थ कैंप के मुकाबले। उधर टॉयलेट्स हैं जिसमें 2 यूरोपियन टॉयलेट्स भी हैं और एक ड्राई टॉयलेट है। वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इनफैक्ट सौना भी है जिसको रशियन में बानिया बोलते हैं। तो ये है सारा हिसाब किताब इस जगह का। इसका जो नाम है, जगह का नाम है, वो है अज़मत यूथ कैंप। और 1200 सोम लगते हैं जिसमें तीनों टाइम का खाना भी शामिल है। आप चाहें तो डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये मुझे पता नहीं है। फ़ोन नंबर शायद मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो बाकी एक बात मैं रियलाइज़ मैंने की कि जब हम किसी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, कोई होटल या जैसे अब ये था, या हमारे जो भाई साहब हैं जो हमको यहाँ लेकर आए हैं गाइड, इनके लिए हम एक कस्टमर हैं। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका जो बिहेवियर है या जो नेचर है वो अपने कस्टमर्स के साथ में भी या अपने गेस्ट के साथ में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। मुझे मिले हैं कुछ ऐसे लोग और मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है। यहाँ वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी। यहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, मैं हमारे जो भाई साहब हैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा आपके लिए। किनको रिकमेंड करूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि मैंने सिर्फ इनके साथ एक्सपीरियंस किया है। 10,800 सोम लिए थे इन्होंने इस 3 दिन के ट्रिप के लिए, जिसमें तीनों टाइम का खाना, तीनों टाइम का मतलब 3 लंचेस हैं, 2 डिनर्स हैं और 2 ब्रेकफास्ट हैं। घोड़ा है, गाइड है, इसमें यूथ कैंप है, स्टे है। अगर आपको इससे कोई सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, उसके रिव्यूज़ वगैरह एक बार आप देख लें और अपने हिसाब से फिर फैसला करें। सूरज बिल्कुल सामने है मेरे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि रात को टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था, -10 के आसपास, अभी भी शायद 0 के आसपास है। तो काफ़ी बर्फ़ जम गई है, जो पानी बह रहा था कल शाम तक वो अब जम चुका है, सफ़ेद है चारों तरफ सफ़ेद, जो हरा भरा हो जाएगा समर में। एक बात इन्होंने ज़रूर बताई थी कि अप्रैल मई जून ये 3 महीने ऐसे हैं जब ये जगह बहुत सुंदर होती है, बहुत हरा भरा होता है और टूरिस्ट कम होते हैं। तो इंडिया में तो वैसे भी वो सीज़न है, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, आ जाइए अप्रैल मई जून में किर्गिस्तान को घूमने के लिए। जुलाई अगस्त सितंबर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, सितंबर मिड के बाद रश कम हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। ये है मेरे घोड़े, मतलब मेरा घोड़ा तो ये है, बहुत प्यारा है। मैंने इसका नाम रखा था चेतक। ज़िंदगी में पहली बार किसी घोड़े पर चढ़ा मैं। थैंक्स अ लॉट। ये बहुत प्यारा घोड़ा है। ये वो बता रहे थे कि बहुत ही वो है, ये सीधा साधा सा है मेरी तरह। दिन का ये सफ़र ख़त्म होने को है। उस तरफ वो गांव है जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। एक बात मैं ज़रूर आप सबसे कहूँगा, अगर आप हॉर्स राइडिंग या कुछ इस तरह का करते हैं, ज़रूर कोशिश करें कि आपके जो गाइड हैं और आपका जो घोड़ा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। घोड़ा ट्रेंड होना चाहिए, गाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, घोड़ा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ख़ासतौर पर नए लोगों को ले जाने के लिए। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस आपका हॉरिबल हो सकता है, ज़रा सी चोट बहुत ख़तरनाक हो सकती है। मैंने पहली बार ये राइड की ज़िंदगी में, मैंने ये महसूस किया कि थोड़ा सा और कंसर्न होते मेरे गाइड तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, क्योंकि आज एक बार मैं ऑलमोस्ट गिरते बचा था, जबकि भाई साहब कहीं पर थे भी नहीं आसपास। मुझे नहीं पता, एक अनुभवी आदमी, मैं जानबूझकर अब मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, एक अनुभवी जो आपके मार्गदर्शक हैं वो आपको कैसे मिलेंगे और एक ट्रेंड घोड़ा वो कैसे मिलेगा। लेकिन कोशिश करिए, अदरवाइज़ छुट्टियों का मज़ा ख़राब हो सकता है। प्लीज़ अदरवाइज दिस विल ऑल्सो प्रॉब्लम है। मेरे भाई साहब ना अचानक भागने लग जाते हैं। एक दो बार तो इन्होंने अपने घोड़े को ऑर्डर दिया और मेरा घोड़ा भी भागने लगा, जबकि मेरा कैमरा ऑन था। हालत ख़राब हो गई थी ऑलमोस्ट, मतलब गिरने वाली हालत हो थी। पता नहीं इनको भागने की जल्दी क्या है यार, कहाँ भाग के जाएंगे। 9 बजे चले थे और अब 1 बज गए हैं और सामने आ गया गाँव। वाकई आज का जो आखिरी दिन था ये बहुत ही ज़्यादा थकान भरा था। पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है और ख़ासतौर पे तशरीफ़ का हाल बहुत ख़राब है। ये डिस्टेंस हमने कवर किया एक तरीके से 4 साढ़े 3 घंटे में, जबकि भाई साहब 6-7 घंटे कहीं जा रहे थे। ये हैं जी मेरे प्रिय दोस्त। थैंक यू उसका फॉर द हॉर्स राइड, वेलकम बोल रहे हैं। पीछे हैं मोहतरमा सारा, सारा को भी थैंक्स सारा, थैंक यू। 2:15 हो रहे हैं, खाना खा लिया है, लंच हो गया है, अच्छा लग रहा है ब्रेक लेने के बाद। ब्रेक क्या, अब तो खैर ट्रिप ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अब शरीर की हालत थोड़ी सी ठीक है, पहले से बेहतर है। इस कार में सामान रख दिया है, बैग वगैरह लाद दिए हैं। अब ये जो गाड़ी है इनकी, ये देखो किस काम में इस्तेमाल हो रही है। दो भेड़ लाद दी गई हैं इसके अंदर, इनको कोचकोर में बेचेंगे ये। और फाइनली, वैसे तो अपने घोड़े से मैं कई बार मिल चुका हूँ जाते जाते, लेकिन ऑन द कैमरा एक बार जाके फिर से मिल लेता हूँ। प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय 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 चेतक, थैंक यू, बाय पाका 10 विदानिया, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स 10 विदानिया पका बुलंदी से घूमना मत। ओके बाय बाय बाय। कभी कभी लगता है मुझे कि मैं शायद इस तरह के ट्रिप्स के लिए बना नहीं हूँ। मुझे शायद ऐसे ही भटकने के लिए शायद बनाया गया है, बिना प्लान्स के घूमने के लिए। का नाम था जंगारिक, अच्छा था और धूप में और भी अच्छा लग रहा था, गुनगुनी धूप में। शिट, मुझे लगा ये मोहतरमा पीछे बैठी हुई, इनको क्या हो गया अचानक, लेकिन ये तो भेड़ों की आवाज़ थी। सारा जो मेरे साथ में अभी तक थी 2-3 दिन, वो निकल गई हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा पहली बार किसी के साथ ऐसे घूमते हुए। अचानक हम मिले और घूमना शुरू कर दिया। What do you think about India? India is just animals, wild animals, cats, elephants, and tigers. More people. How are you, sir? Hi. I'm good. सर एक फोटो चाहिए। हाँ ज़रूर, थैंक यू, थैंक्स, बाय। हाँ वही हाय हेलो या एंड आई सॉ यू फ्रॉम देयर सो आई कुड रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम फार अवे सो हमने ऊपर से आपको देखा, फेस लग रहा है फिर। और क्या से मैंने कहा